हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक अंकित राणा में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमने एक बैटरी होल्डर मार्केट से परचेज़ किया है, ठीक है ना। तो ये हमें 30 रुपीज़ का मार्केट से पड़ा है, यानी कि 30 रुपये का हमें ये मार्केट से पड़ा है। और ये जो आप बैटरी होल्डर देख रहे हो, ये हमने घर पर बनाया है और ये हमें केवल 5 रुपये का पड़ा है, ठीक है ना। 5 रुपये में हमारा ये जो बैटरी होल्डर था, ये बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा बैटरी होल्डर अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इस बैटरी होल्डर की खास बात यह है कि इसको हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब आप जितनी बैटरीज़ को लगा करके इसे बनाना चाहोगे, इतनी बैटरीज़ का ये बन जाएगा, इतनी बैटरीज़ आप इसमें लगा पाओगे। और ये जो हमने मार्केट से ख़रीदा है, ये हमने केवल 3 बैटरीज़ को लगाने के लिए ही ख़रीदा है। ये इसमें केवल 3 बैटरीज ही लग सकती हैं, ठीक है ना। और इस तरह के जो हम बनाएंगे, उसमें हम कितनी भी बैटरीज लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर से पूरी देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की हम होममेड की इन्वेंशन की वीडियोज़ अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि हमने इसको, इस वाले जो हमारा ये बैटरी होल्डर है, इसको हमने किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसके लिए एक पीवीसी पाइप के, मैंने पाइप को गर्म करके और इसको फ्लैट कर लिया, मतलब कि प्लेन कर लिया है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमें 2 बैटरीज चाहिए, ठीक है। इस तरह की आपको बैटरीज ले लेनी है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल है, इसको मैंने मोड़ लिया है, फोल्ड कर लिया, मतलब बहुत सारे पार्ट, मतलब बहुत सारी इसके लेयर को मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है। और इस तरह के मैंने एक जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग टाइप इसको बना लिया है, ठीक है। ये मेरे पास एक इस तरह की पतली सी, क्या कहते हैं, तार पड़ा था, उससे मैंने इसको बना लिया है। और यहाँ आपको 5 रुपये की फेविक्विक लेनी है, मेरे पास ये थी तो मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हमें इन दोनों बैटरीज को इस तरह से रख लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो, इस तरह से रख करके हमें यहाँ इस पर मार्क लगा लेना। मैं आपको बता देता हूँ आपको मार्क कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी दूरी पे लगाना है, थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क लगा लेना है। बट बाद में आपको इसको बिल्कुल जो बैटरीज है ना, इसकी साइज़ में कर लेना है बाद में, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ, थोड़ी दूर दूर कर लेता हूँ, जो क्योंकि ये इधर उधर हो रही है, तो उसको मैं कट कर लूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर लिया है, आप देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मैंने यहाँ पर 4 पीस लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसको हमें कहाँ लगाना है। तो जो हमने हमने छोटे वाले पीस लिए ना, इनको हमें इधर लगाना है, और जो बड़े पीस लें इनको हमें इधर लगाना है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इन चारों को इसमें लगा ले, दोनों को, दो को लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इनमें भी साइड वाले जो हमारे 2 पीस थे, इनको मैंने लगा लिया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई कोई बात नहीं, वो तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे हाथ पे थोड़ी सी फेविक्विक भी लग गई है, तो वो चिपक गई थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे जो ये एक पीस लिया है हमने, ठीक है ना, छोटा सा हमने एक पीस काट लिया, इसको हम इन दोनों पत्तियों के बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे, जिससे कि जो हमारे सेल होंगे ना, बैटरी जो है, मतलब कि ये इधर उधर हिलेंगी नहीं। और यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम की जो फॉइल ली है, इसको हम इसके साइज़ का काट लेंगे पहले, ठीक है ना। पहले हम इसको इसके साइज़ का काट लेंगे, जो सीज़र है इसकी हेल्प से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर रख, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको रख करके भी दिखा दिया, ठीक है। और इसको हम बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें एक जो हमने स्प्रिंग बनाई थी, इसको लेना है, और इसके बीच में जो हमने फोल्ड किया था ना, इसके बीच में को इसे डाल इसको डाल देना है, ठीक है ना, जिससे कि जो हमारा करंट होगा वो इन दोनों में पास हो सके आसानी से, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, और इस तरह से हम लगाएंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी इस पर फेविक्विक डाल लेता हूँ, जिससे कि जो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल है वो भी चिपक जाए, और जो स्प्रिंग है वो भी, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अभी हमें इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है, ठीक है ना। और जो हम दूसरी वाली पत्ती पर लगाएंगे, उनको हमें अलग अलग ज्वाइन करना है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग अभी थोड़ी सी
चिपकी नहीं है सही से, तो मैं इस पर थोड़ी सी फेविक्विक और डाल लेता हूँ और अच्छी तरह से इसे चिपका देता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब ये चिपक चुकी है। अब जो हमारे दूसरी फॉइल है ना, इसको मैं थोड़ा सा और कट कर लूँगा, छोटा कर लूँगा इसको थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम इतना ही बड़ा रखेंगे इसको तो फिर हमारी जो दूसरी स्प्रिंग है ना उससे टच होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है और इसको भी हम यहाँ पर चिपका देंगे। इस वाली जो ये जो हमारी पत्ती थी दूसरी वाली साइड में चिपकाने के लिए, इस पर हम चिपका देंगे। तो इसको मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। आपको जो इनमें जो फॉइल जो हमने तय लगाई थी ना, इसकी मतलब लेयर जो थी, इनमें से आपको बीच वाली लेयर को लेना है और उस पर एक वायर को लपेट करके इस पर जॉइंट कर देना है, ठीक है ना। वायर को लपेट कर आपको चिपका देना है फिर ऊपर से, ठीक है, कि वायर में करंट आ सके। और फ्रेंड्स ये जो हमने स्प्रिंग ली है इसको हम इससे थोड़ा सा अलग करके लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये इससे टच ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे, ठीक है ना, बीच में, मतलब बीच में नहीं थोड़ा साइड में, जिससे कि आपस में बीच में टच ना हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमको इनको साइड में दोनों साइड टच कर, मतलब कि इनको जॉइंट कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इन दोनों को जॉइंट करके टेप लगा ली है और दो वायर भी मैंने इन पर जोड़ दिए। स्प्रिंग पर मैंने रेड वायर लगाया है, ठीक है, और स्प्रिंग हमने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखी है, एक इधर वाले खाने में इस साइड है और दूसरी इस साइड है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारी कनेक्ट है और ये कनेक्ट नहीं है, और मैंने वायर भी इनमें जोड़ लिए हैं। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा वायर जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको लगा करके भी आपको, बैटरी जो थी हमारी इसको मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसमें पहले भी लगा करके देखी, फिर वीडियो मैंने शूट की थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मोटर ले लिया मैंने, जो डीसी मोटर होती है ये मैंने मोटर ले लिया है। तो ये जो हमारा पीवीसी पाइप का एक पीस छोटा सा है, इसको मैं यहाँ पर चिपका दूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये मोटर जो है घूम रही है या नहीं, ये जो हमने बैटरी होल्डर बनाया है ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये अब हमारा चिपक चुका है, ठीक है, चिपक गया है अच्छी तरह से, अब ये चिपक गया है। तो मैं इनके वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो रेड वायर को मैं रेड वायर से और ब्लैक वायर को जैसे ही मैं टच करूँगा ना, देखिए आप, जैसे ही मैं ब्लैक वायर को टच करूँगा तो ये घूमने लगेगी। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो बैटरी होल्डर है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितनी अच्छी तरह से घूम रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है इस तरह से। तो यार फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।